वो कनेक्ट कमर्शियल नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमारे एस मुफारिज सर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है हम सब लोगों को दिए थे कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की यूं कह सकते हैं कि कोई ना कोई गलती करने की एक आदत ही बन जाती है, कोई ना कोई गलती जरूर होती है, यानी कि इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाया जाता है, इतना बताया जाता है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एंड हमारे बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स भी बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। ओ कनेक्ट परचेज करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना था। जी हाँ, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब हमारा ओ कनेक्ट आया था 1 सितंबर के लिए, तो हमारा जो पेमेंट गेटवे था तो उसपे एकदम से ट्रैफिक आया था उसको परचेज करने के लिए, लेकिन बीच में 2 या 3 दिन के बाद में आपने देखा था कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो पेमेंट गेटवे था वो पूरा का पूरा डाउन हो गया था, यानी कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए पूरा का पूरा डाउन हो गया था। अब दोबारा फिर से हमारा पेमेंट गेटवे जो है एक उसको एक रिबिल्ड किया गया है, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्मूथली जो है चल सके। सो यहाँ पे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम सब लोगों को पहले भी मालूम थे और आज भी मालूम है, लेकिन फिर से ये आपको याद दिलाया जा रहा है। और दूसरी बात, याद दिलाने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी गलतियां भी जो है बताई जा रही हैं जो आपको नहीं करनी है, और कुछ इसमें सावधानियां भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किन किन सावधानियों का जो है ख्याल रखना है। इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, बिकॉज यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देने वाला हूं। ओनली 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जी हाँ ओनली 2। दोस्तों मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ऑन पैसिव के रिगार्डिंग मैं रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये है कि कल मेरे पास एक कॉल आती है और वो कॉल गाजियाबाद से आती है, और वो कॉल जिस किसी की भी है लेकिन वो है तो हमारे फाउंडिंग मेंबर ही, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक व्यक्ति को पैसा दिया आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए, ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए, और उसके बाद उनका फोन ही नहीं लगा। ध्यान से सुनना, उन्होंने पैसा दिया उसके बाद उनका फोन ही नहीं लगा। इस पे क्या हुआ कि जिन्होंने पैसा दिया था वो बहुत ही ज्यादा असमंजस में आ गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो घबरा गए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस फाउंडिंग मेंबर्स में हमारे इंडिया के अंदर, जो कि किसी ना किसी तरीके से जो है मान के चलिए कि उनके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कार्ड नहीं है, पेमेंट नहीं है, या उनके पास वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो एक दूसरे की हेल्प जरूर ले रहे हैं। और एक दूसरे की हेल्प लेने के वास्ते यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही, कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति खुद अगर आपको कॉल करके बोलता है कि मैं आपकी आईडी को एक्टिवेट करा दूंगा और कम पैसों में करा दूंगा, तो आप ऐसे लोगों से जो है सावधान हो जाइए। ऐसे लोग आपके स्कैमर्स भी हो सकते हैं, या आपके और भी कोई दूसरे लुटेरे टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैम करने के अलग कई प्रकार के जो है यहाँ पे कोई ना कोई मेथड जो है लोग अपनाते ही रहते हैं। यहाँ पे ऐसे लोगों से सावधान होना है। बिकॉज अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो उन्होंने उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन वो पैसा जो है उसके पास चला तो गया, लेकिन एक दिन के बाद उसके बाद उसकी कॉल लगना बंद हो गई। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से क्या हुआ, लेकिन अभी तक उनको पैसा रिटर्न नहीं मिला है। तो यहाँ पे अब उन्होंने दोबारा से अपने किसी और माध्यम से जो अपनी आईडी को एक्टिवेट किया। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देने का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल को देने का अर्थ यह है कि यहाँ पे किसी को भी पेमेंट देने से पहले सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से जानकारी कर लेनी है। ध्यान रखना इस बात का, ये बातें हम बार बार क्यों बता रहे हैं, ताकि आप गलती कर रहे हैं। कॉल्स हमारे पास भी आती है, कॉल और भी कई लीडर्स हैं उनके पास भी आती है, कॉल बहुत सारे लोगों के पास आती है कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मैंने एक व्यक्ति को पैसा दिया था, अब उसने अभी तक मेरी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है। तो भाई आपने जिसको पैसा दिया था आप उससे बात करो, आपने किसको पैसा दिया था, आप कंपनी को टिकट लगा रहे हो सकता है कि उसने पैसा ही ना भेजा हो कंपनी के लिए, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अगर किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं आईडी एक्टिवेट कराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल दे भी रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी कर लें, क्या आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं
तो आप एक बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपना OES का एक्सेस भी आप उसको देते हैं। ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही मोटा अंतर आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके करियर से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं कि सर मेरी आईडी को एक्टिवेट कर देना, तो आपको ये भी पता होगा कि आप उसको अपना एक्सेस भी देते हैं इकोसिस्टम का। और जब आप उसको इकोसिस्टम का एक्सेस दे देते हैं और आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपना पेमेंट कर दिया है जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जो हो सकता है कि फाउंडिंग मेंबर ही ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपका इकोसिस्टम का एक्सेस भी उसके पास पहुंच गया है। वो आपके सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकता है। इस बात का बहुत गहराई से आपको सोचना है इस बारे में। दूसरी बात यह है, चलो कोई बात नहीं है, एक बार आपने अपना पेमेंट दे दिया, चलो उसने आईडी एक्टिवेट की नहीं की, हो सकता है कि वो उसकी नीयत खराब निकली या कुछ भी खराब निकला, लेकिन पैसा तो आप बार बार जो है किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन पैसा अगर एक बार चला जाएगा तो आप दोबारा भी कमा लेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, $143। लेकिन अगर आपने गलती से इकोसिस्टम का एक्सेस दे दिया और उसने कुछ इकोसिस्टम के साथ कर दिया, तो आपका करियर ही खराब हो जाएगा। ध्यान देना इस बात पे, तो आपका करियर ही खराब हो जाएगा। जिस सपने को लेकर के आप इस ऑन पैसिव बिजनेस के अंदर आए हैं, वो सपना ही आपका टूट जाएगा। ऑन पैसिव का एक्सेस अगर आपको कल को नहीं मिला तो क्या करोगे आप? उसने ऑन पैसिव के एक्सेस के OES के अंदर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो क्या करोगे आप? उसने पासवर्ड बदल दिया और आपके पास हो सकता है कि ईमेल आईडी का भी पासवर्ड ना हो, सकता है कि वो इस तरीके से बहला फुसला करके आपसे कुछ ईमेल आईडी का भी पासवर्ड मांग ले। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यहां पर अगर आप किसी को अपनी आईडी एक्टिवेट कराने के लिए अगर आप पेमेंट कर भी रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आप कोई भी चीज अपनी शेयर ना करें, बिकॉज ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात यह है कि आपने अगर इकोसिस्टम का एक्सेस दे भी दिया है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ईमेल आईडी का पासवर्ड, ये सारी चीजें, इसको कभी भी आपको शेयर नहीं करना है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। सो यहां पे मेरे इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पैसा मारा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की नीयत खराब है, तो क्योंकि किसी के सामने माथे पर नहीं लिखा है कि को सच्चा है झूठा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा सतर्क करके जो है अपने आप को अपना काम करवाएं। ओके, तो यहां पे पैसा तो आप दोबारा कमा लेंगे, लेकिन इकोसिस्टम के साथ अगर आपका खिलवाड़ हो गया, तो आपका पूरा का पूरा जो एक जीवन है, जिंदगी है, जो आपने बहुत सोच समझ के आप यहां पे आए हैं, वो खत्म हो जाएगी। इस बात को मैं गहराई से आपको समझा रहा हूं, इसलिए और बार बार ये गलतियां जो हो रही हैं, और इसलिए हमारे पास बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं, सर ऐसे ऐसे हो गया, हम क्या करें? अब बताइए उनको क्या करें? अब पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट आधा घंटा उनको समझाने में लगाया, तो हम गलती ही क्यों करें? तो आपको ऐसी गलतियों से बचना है। नंबर टू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अभी मेरे पास आज के टाइम पे, दिन के टाइम पे एक कॉल आई थी, तो उन्होंने बताया कि सर हमने अपना पेमेंट किया अपने ओ करंट को परचेज करने के लिए, और वो पेमेंट हमारा उसमें हमारे कार्ड से कट भी गया है, लेकिन अब वो फेल बता रहा है हमारा इकोसिस्टम कि आपका पेमेंट जो है फेल हो गया है। अब यहां पे गलती किसकी है? जब उनसे थोड़ी सी और देर बात हुई, तो उनसे पता चला कि एक कार्ड से लगभग एक ही समय में, एक ही डेट में, आज की आज 4 पेमेंट हो चुके थे। उनका ये जो पेमेंट हिलक गया था या पेमेंट फेल हो गया था, ये 5वां पेमेंट था। अब आप खुद सोचिए कि यहां पे एस सर ने पहले क्या बताया था? एस सर ने पहले ही हम सब लोगों को बता दिया था कि आपको सिर्फ एक कार्ड से एक ही पेमेंट करना है। अगर आप एक पेमेंट करते हैं, तो आपका कोई भी पेमेंट ना तो फेल होगा, ना ही कोई आपका पेमेंट पेंडिंग में जाएगा, वो आपका स्मूथली आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन आप एक कार्ड से 4-4 आईडी एक्टिवेट करने के बाद फिर 5वीं आप आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका पैसा या आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, या आपका पैसा जो है पता नहीं चलेगा कि अब वो कहां चला गया, कहां नहीं चला गया। और सबसे बड़ी एक और दिक्कत वाली बात यह है कि अगर हम शिकायत करें तो करें कहां पे? क्योंकि अभी कंपनी का कोई कस्टमर केयर नंबर भी नहीं है, और अगर हम कंपनी को टिकट लगाते हैं तो इतनी जल्दी उसका आंसर भी नहीं मिलता है। सो कहीं ना कहीं हमें टिकट लगाने की जरूरत ही ना पड़े, हमें सपोर्ट सेक्शन में जाने की जरूरत ही ना पड़े, हमें टेक्निकल टीम को परेशान करने की जरूरत ही ना पड़े, सो हम ये गलती क्यों करते हैं? सो यहां पर पेमेंट कट गया, उसका पेमेंट फेल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे खुद की गलती की वजह से हुआ है। अगर आप भी अपना
आईडी एक्टिवेट करते हैं या दूसरे से कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि 24 घंटे में केवल एक कार्ड से सिर्फ और सिर्फ एक ही पेमेंट करें, चाहे भले ही आप दूसरा पेमेंट अगले दिन करें, जिससे कि ना तो आपका पेमेंट पेंडिंग में जाएगा और ना ही आपका पेमेंट जो है किसी भी प्रकार से हिलक जाएगा। अगर किसी ने गलती से भी अगर आपके पास पेमेंट भेज दिया है और इस तरीके से पेमेंट फंस गया तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी बन जाती है। सो यहाँ पे ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो दो इंस्ट्रक्शन थे, आप दोनों को फॉलो करिए और दोनों को फॉलो करेंगे तो 100% आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टिकट लगाने की, सपोर्ट सिस्टम में जाने की, कहीं पर भी जाने की कोई भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सो आई होप आपको ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है समझ में आ गए होंगे कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। बिजनेस बहुत तेजी से चलने वाला है, लेकिन बिजनेस तभी तेजी से चलता है जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सही तरीके से अपना काम करते रहें, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप जल्दबाजी में जो है कोई भी काम ना करें, किसी भी एक नजदीकी फाउंडिंग मेंबर से जो है जरूर सलाह ले लें। दूसरी बात यह है कि यहां पर जब कभी भी आपको कोई भी चीज परेशान कर रही हो तो आप वहीं की वहीं तुरंत उस काम को बंद कर दें और चुपचाप अगर रात का समय है तो सो जाएं, क्योंकि इससे बढ़िया काम और कोई नहीं हो सकता। लास्ट में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सो नीड टू विन इट।